देखो जैसे ना ऐसे मान लेते कि मेरे पास है स्क्वायर पीस ही है, ऐसे मान लेते स्क्वायर पीस ही है, ठीक है। और मैं इसके साइड को ना कितना मान रहा हूँ 18, ठीक है। स्क्वायर का मतलब सबको पता है, पीस तो खैर रेक्टेंगल लग रहा है, ठीक है, पर हम मान लेते हैं कितना, ये 18 हो गया, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये भी कितना होगा, 18, ठीक है। पहले प्रैक्टिकली समझो क्वेश्चन को, डायग्राम तो तब बनेगा, ठीक है। मैं अगर डायरेक्ट लिख दूंगा ना वॉल्यूम ये है वो, एक क्वेश्चन में नहीं आएगा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये मान लिया हमने, क्या मान लिया, स्क्वायर पीस मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं ना देखो उसने क्या बोला, जो उसने लाइन में बोला है उस हिसाब से करते हैं, कोई चीज हमें एक्स्ट्रा नहीं करनी। अ स्क्वायर पीस मेजरिंग बॉक्स इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। भाई उसने बोला था कि ईच कॉर्नर से क्या काटो, स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, यहां से क्या कर दिया, एक स्क्वायर काट दिया, ये हो गया। सपोज ये ऐसे मान लेते हैं ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। उतना ही स्क्वायर मैंने क्या काट दिया, मैंने यहां से काट दिया, ठीक है। जितना स्क्वायर मैंने वहां से कट किया उतना स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, इधर से कट कर लिया। ये हो गया हमारे पास 4 स्क्वायर, ये हो गया ना 4 स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जो ये हमने चारों तरफ से स्क्वायर काटे ना, ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर काटे तो यानी ये कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा। तो ये जो ऊपर वाला ये भी कितना रहा होगा, ये भी एक्स ही रहा होगा। सब मैं ना स्क्वायर काट रही हमने, ठीक है। और स्क्वायर की हर एक साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। वैसे अगर मैं इधर के स्क्वायर की बात करूंगा, ठीक है, मतलब सारे का डायग्राम की बात करूंगा, ये भी कितना होगा, एक्स होगा। ये भी कितना होगा, एक्स, ठीक है। सेम इधर ये एक्स होगा, ये भी कितना होगा, एक्स होगा। इधर की बात करूंगा ये भी कितना होगा, एक्स होगा। और ये भी कितना आ जाएगा, एक्स हो गया। ये हो गया ना सारे एक्स हो गए, ठीक है। तुम्हारे समय पर प्रैक्टिकल चल रहा है यहाँ पर, ऐसे नहीं कि तुम ये तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्वायर रहा होगा पहले स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी पहले क्या रहा होगा, एक स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। ये पूरा यहां से यहां तक, यानी कि जब पेपर था रखा हुआ, ठीक है, जब पेपर था रखा हुआ, ठीक है, तब उसकी साइड जो थी, ठीक है, जैसे यहां पर पूरा पेपर रखा हुआ था पहले जब मैंने पूरा है, ठीक है, तो इसकी साइड क्या थी, इसकी साइड थी पूरी 18, ठीक है। यहां से लेके और ये यहां तक ये पूरा कितना था, 18 था, ठीक है। जब मैंने यहां से स्क्वायर काटा और जब मैंने यहां से स्क्वायर काटा, ठीक है, तो बचा हुआ जो पेपर है, बचा हुआ पेपर कैसा आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो ये साइड होगी, ये साइड यहां से लेके यहां तक, ये कितना रहा होगा, 18 - 2x। ये हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, क्यों यहाँ क्यों आया ऐसे, क्योंकि मैं पूरा 18 यहाँ से मैंने एक्स को हटाया, यहाँ से वो स्क्वायर फाड़ के नीचे फेंक दिया, यहाँ से भी स्क्वायर हटाया, तो ये नहीं बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा, 18 - 2x, ठीक है। तो हम इस पेपर के पीछे लिख देते हैं या तो, ठीक है, चलो मैं फोल्ड दूंगा, सुन में आ जाएगा, ये 18 - 2x है। वैसे इधर भी एक स्क्वायर था, ये पूरा भी कितना था, 18 था, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, अगेन वही 18 - 2x हो जाएगा, 18 - 2x, ठीक है। अगेन नीचे वाले की बात करूंगा, यहां से यहां तक, और यहां पर भी स्क्वायर रखा था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 18 - 2x। और सेम ये इधर वाला जो मेरे लेफ्ट में होगा, ये भी तुम्हारा कितना आएगा, 18 - 2x। इतना समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मैंने चार दो स्क्वायर काटा, ठीक है। आगे उसने बोला फ्रॉम ईच कॉर्नर, यहां तक हमारा काम हो गया है ना, एंड फोल्डिंग अप टू फॉर्म अ बॉक्स, ठीक है, फॉर्म अ बॉक्स। और यहाँ पर लिखा है विदाउट बॉक्स, विदाउट टॉप, ठीक है। मैंने क्या करा, जो ये बॉक्स था ना, ठीक है, जो ये बन के आया, मैंने इसको क्या करा, एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कर देते हैं बॉक्स में कन्वर्ट, देखो देखो ये जो था ना, ठीक है, मैंने क्या बना दिया, इससे एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। ये हो गया बॉक्स, ठीक है। क्या इसके ऊपर का टॉप है, टॉप तो इसका है ही नहीं, ठीक है। और ये बॉक्स दिख रहा हो तो मैं बॉक्स बन गया, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, इस बॉक्स की साइड पे चलते हैं हम, ठीक है। इस बॉक्स से किस पे चलते हैं, साइड पे, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बस का थोड़ा प्रैक्टिकल समझो कि क्या चीज है, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ पर ये जो बचा हुआ पेपर था ना, इस पेपर से मैंने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब चलते हैं साइड पे, ये बॉक्स है ना, बॉक्स किस शेप का होगा, ये पेपर पहले ऐसे था, ठीक है। ये पेपर किस शेप का था, ये था रेक्टेंगल या स्क्वायर बोलते थे, स्क्वायर था पहले, ठीक है, स्क्वायर दे रखा था मैं। अब ये फिगर बना दिया मैंने कि ये कौन सा शेप होगी, है क्यूब या तो क्यूबॉइड, ठीक है। अभी तुम चलो, तुम अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि क्यूब होगा क्यूबॉइड होगा, ठीक है। तुमने क्यूब बोला, बहुत सही हो, तुम्हारे हिसाब से ये क्यूब हो सकता है और या तो ये क्या हो सकता है, क्यूबॉइड, ठीक है। या सिलेंडर कौन तो नहीं बन गया ना ये, और स्क्वायर वगैरह है, थ्री डी शेप बन गई थोड़ी सी, ठीक है। थ्री डी दिख रहा होगा सबको, थ्री डी क्या होता है सबको बताएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो हमें समझना है कि ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं, अगर मैं इसका ना एक साइड हटाता हूँ, मैंने इसको हटाया, ठीक है, मैं इसको खोला मतलब, ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेके ना यहाँ तक जो रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना रहा होगा, ये वाली ये लेंथ कितनी रही होगी इसकी, ठीक है। अगर देखो दोबारा चल लेते हैं थोड़ा सा, इसको इमेजिन करते हैं, पेपर फोल्डिंग तुमने छोटी क्लास में भी सीखे होंगे। ये पूरा 18 था यहाँ से लेके यहाँ तक, इमेजिन करो कि यहाँ पर एक स्क्वायर है और यहाँ पर एक स्क्वायर है, पूरा कितना था, 18 था, ठीक है। ये एक खड़ा उठ के आओ जरा, मैं तो बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा, तू ही आओ ले।
पेपर को पकड़ लिया फटाफट से, ये है ना ठीक है, इस पेपर को पकड़ इधर से ठीक है, और इस पेपर को पकड़ो ठीक है। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ उसकी लेंथ कितनी है, ये टोटल कितना था यहाँ पर, जब मैं इसको दोनों को जोड़ूंगा तो कितना है 18 है ना, 18 है। मैंने इसको हटाया, ये कौन हटा, एक्स हटा ठीक है, और इधर से इसे दीपांशु ने हटाया, ये भी कितना हटा, एक्स हटा ठीक है। तो ये जो बची हुई लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कितना लिख रहे थे, इसको लिख रहे थे हम 18 - 2x ठीक है। तो जब मैं पेपर, जब मैं बॉक्स फोल्ड करूंगा ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो बेटर, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना रहा होगा, 18 - 2x रहा होगा। तो जो ये वाली लेंथ है ना, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 18 - 2x ठीक है। सेम वही कहानी इधर से मैं वही कहानी करूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर थे दोनों तरफ, तो जब मैंने इसको काटा होगा तो ये वाला जो पार्ट जो इसने बॉक्स बनाया, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 18 - 2x ठीक है। सेम इधर से भी वही होगा 18 - 2x, और इधर से भी क्या होगा, 18 - 2x होगा ठीक है। अब देखो ये बॉक्स बन के क्या हो गया, रेडी हो गया एक ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, है ना, इस वाले पार्ट को लेंथ। तो लेंथ जो बॉक्स की है ना, यानी बॉक्स तुम्हारा क्या बन रहा, क्यूब या क्यूबॉइड में से एक चीज बन रहा, जिसकी जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, 18 - 2x ठीक है। और जिसकी मैं ब्रेथ की बात करूंगा, वो जो ब्रेथ बन रही है, ब्रेथ भी तो वही बन रही है, 18 - 2x ही है, तो ये भी कितना है इधर, 18 - 2x है, तो ये कितना आ जाएगा, 18 - 2x ठीक है। क्यूब क्यूबॉइड और क्यूब में, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में हाइट भी होती है ना हाइट ठीक है। हाइट कितनी होगी इसकी, देखो हाइट होती क्या चीज है, हाइट ये चीज होती है, ये चीज ठीक है, ये चीज होती है। बॉक्स को ना एक बार अंदर से देखो ठीक है, बॉक्स की एक बार अंदर से देखो, हाइट दिख रही, ये दिख तो रहा है, देखो लिखा है मैंने मार्क करके एक्स लिखा है एक्स यहाँ पर ठीक है। इसको चाहे से फ्लिप करके देख लो ठीक है, ये दिखा ना एक्स है, जब मैंने इसको फोल्ड किया होगा तो ये हाइट एक्स तो आई होगी, इसकी ऊंचाई कितनी है, और यहाँ से हाइट एक्स है, तो यहाँ से भी देखो हाइट ये एक्स लिखा है, अगर मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ से भी कितनी है, यहाँ से भी हाइट एक्स ही होगी, तो इसका मतलब हाइट क्या है, एक्स है। अब ये क्या होगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, अब होगा क्यूबॉइड, क्यूब नहीं होगा, अब ये क्या होगा, क्यूबॉइड, समझ में आ गया ना ये ठीक है। अब देखो हमें बस यही करना है ठीक है, व्हाट शुड बी द, हमारा डायग्राम पूरा तैयार हो गया बनके, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर कट ऑफ ठीक है, दैट द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज मैक्सिमम, यानी हमें क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम ठीक है। इस वाले ये सब रफ काम था ठीक है, इसको मैं सब हटा रहा ठीक है। हमने एक बस ये समझा कि ना तुम्हें वो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये समझाने के लिए था बस ठीक है। तुम इसके सॉल्यूशन में लिखोगे कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड था जिसकी मैंने लेंथ ठीक है, इसकी लेंथ कितना हो जाएगा 18 - 2x, और जिसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितना हो जाएगा, सेम वही 18 - 2x, और जिसकी मैं हाइट की बात करूंगा उसका हाइट कितना हो जाएगा एक्स, ये हो गया ना हाइट एक्स ठीक है। हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ ठीक है, ये वॉल्यूम, ये बॉक्स जो है ना, ये ऊपर से खुला है, ओपन था ठीक है, और बोला भी है कि ये मेड इनटू अ बॉक्स विद और विदाउट टॉप ठीक है। तो क्या अगर ये ओपन है ठीक है, और अगर मैं इसको ना इतने ही डब्बा लागे, मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे भर देता हूँ, मतलब इसको ऊपर से कवर कर लेता हूँ, तो क्या वॉल्यूम में फर्क होगा, इसका वॉल्यूम अलग होगा ओपन का, और क्लोज का वॉल्यूम अलग होगा, होगा अलग, एक जैसा होगा, एक जैसा होगा ठीक है। बॉक्स ना अगर ओपन हो ठीक है भाई, इस रूम में ना मैं कितने सामान भर सकता हूँ ठीक है, वो इसकी छत वो नहीं करेगी, छत वो मतलब तय नहीं करेगी, ऐसे बोल दोगे अगर मैं इसकी छत हटा दूँ ठीक है, छत हटा दूंगा अगर मैं, तो इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, इसके अंदर बहुत सामान आ सकता है ठीक है, और अगर मैं छत लगाऊंगा तब भी उतना सामान आ सकता है ठीक है। तो वॉल्यूम ना कभी भी उसके जो टॉप होता है, टॉप पे कभी डिपेंड नहीं होता ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है उसके अंदर कितना स्पेस हम भर सकते हैं ठीक है, एरिया डिपेंड करता है, एरिया पर अगर मैं बोलूंगा इसका एरिया अलग होगा, और अगर मैं इसका ढक्कन बंद कर दूं तब इसका एरिया क्या होगा, अलग होगा, एरिया पर डिपेंड करता है ठीक है, वॉल्यूम पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। तुम्हें ये भी पता होगा हमें क्या करना है, वॉल्यूम को क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम ठीक है। तो जिसको मैं मैक्सिमम करना होता है, हमें ये करना है कि वॉल्यूम को हमें क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम ठीक है। जिस चीज को हमें मैक्सिमम करना पड़ता है उसी का डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो बताया सीख रखा हमने, 5 क्वेश्चन पहले भी कर रखे। तो हमें ना इस वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करना है, वॉल्यूम होता है क्या, क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू, इसलिए कहा था वो फॉर्मुले थोड़े इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ठीक है। अभी नहीं लिखे तो मैं जब वीडियो डालूंगा तो शुरू में एक पन्ने में सारे फॉर्मुले दूंगा पहले वहां पर लिख के। v इक्वल टू लेंथ हमारे पास कितना है 18 - 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास कितना है 18 - 2x और ये हाइट कितना है हमारे पास x, ये हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करने से पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ओनली इन वन वेरिएबल, ये वाला जो तुम्हारा डिफरेंशिएट आया ना ये किसमें होना चाहिए, मतलब जो फंक्शन आया ये किसमें होना चाहिए, एक वेरिएबल में होना चाहिए। क्या है, एक वेरिएबल में है, वेरिएबल में भाई 18 तो कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, एक्स नंबर वेरिएबल है, तो यानी कि हम क्या क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, समझ में आ गया ठीक है। उतारो पहले तक देखो, या तो तुम इसको 18 - 2x का होल स्क्वायर लिख दो, तुम्हारी मर्जी है ठीक है, और या तो ना हम इसमें चलो ऐसे कर लेते हैं 18 - 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये तो सबको बताया ना मैंने क्या करा ठीक है,
कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? बाय यूजिंग बोलो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये वाला पहले इस वाले को 2 का ऐसे लेके आओगे आगे 18 माइनस 2x, ठीक है, ये हो जाएगा ना पहले वाले का डिफरेंशिएट, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो हमें x को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे टर्म में 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला ऐसे आएगा, x का डिफरेंशिएट कितना हो गया 1 हो गया, ये हो गया ना 1, ठीक है। थोड़ा सा जरा सिंपलीफाई भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 4x, 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, समझ में आ गया ना क्या करा है, ठीक है। जहां पर समझ नहीं आएगा बीच में एकदम से बोल देना, 18 माइनस 2x में कॉमन लेता हूँ, ये कितना बच जाएगा यहाँ पर माइनस का 4x प्लस ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x, ये बच जाएगा 1 बार, समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इतना टफ नहीं है। 18 माइनस 2x, ठीक है भाई, 18 ऐसी 2x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6x, ये हो जाएगा ना। थोड़ा सा और शॉर्ट बनाते हैं, क्या शॉर्ट बनाते हैं, इन दोनों में कॉमन है या तो इन दोनों में कॉमन है, देखो 18 और इसमें कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को बाहर लो कितना आएगा 9 माइनस एक्स, इसमें 6 कॉमन है कितना आएगा 3 माइनस एक्स, ठीक है। और वो जो 6 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर कर लेता हूँ डायरेक्ट, 6 टू का कितना हो जाएगा 12, समझ में आ गया ना मैंने क्या करा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन को इतनी इतनी वो नहीं है, टफ नहीं है, समझ में आ रही होगी इजी, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंशिएट तैयार हो गया, ठीक है। एक और चीज, अब हम ना हम जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। और तुम्हारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए, क्या क्वेश्चन आप खत्म होता है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन का आप खत्म होता है डबल डिफरेंशिएट करने पे, ठीक है। तो तुम्हें सिंगल को ना इतना कॉम्प्लिकेटेड करना है, मतलब इतना आसान करना है, उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इतना आसान करना है कि डबल में दिक्कत ना आए, समझ में आ गया ना, ठीक है। बच्चों की दिक्कत यही होती है, तुम इस स्टेप पे पहुंच जाओगे ठीक है, ठीक है, और तुम अगर सेकंड स्टेप पे पहुंच जाओगे एक्सक्यूल निकाल लोगे ठीक है, ठीक है। पर जब डबल डिफरेंशिएशन की बात आती है ना, तो अगर तुम इतना हार्ड सा रखोगे उसको, ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी वहां पर। तो ध्यान रखना कि जब पहले को ना थोड़ी सी पहले में एक दो स्टेप कर लेना, एक्स्ट्रा कॉमन वगैरह जो भी है उसको शॉर्ट बनाना, उसे शॉर्ट बना के फिर डबल डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं होता, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो हम इसको सेकंड स्टेप जो हमारा डीवी अपॉन डीएक्स होता है इसको जीरो के बराबर, तो यानी कि 12 9 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसको मैं जीरो के बराबर रखूंगा, एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा 9 मिलेगा, और इसको अगर मैं x के बराबर रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा 3 होगा, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। देखो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आई 9 और एक वैल्यू आई 3। मैं 9 के नीचे एक नंबर लिख देता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर बताएगा अंकुश कि क्यों है ये नहीं, क्यों नहीं है ये पॉसिबल, एक्स की वैल्यू 9 क्यों नहीं हो सकती। साकी बिठा रखा मैंने तुझे, कब से क्लियर दिख रहा होगा तुझे, बता सोच थोड़ा सा, सोच ऐसे सलमान से काम थोड़ी चलेगा, शादी का रिश्ता थोड़ी आ रखा है यहाँ पर, तू सलमान रहा तू, ये बता कि 9 क्यों नहीं हो सकता, जीरो आ जाएगा 9 रख के, 9 रख के कहाँ पे जीरो आएगा, मतलब 18 माइनस 2 एक्स की जगह पे 9 रखेंगे तो, हाँ 18 माइनस 18 जीरो, ठीक है, चल सही बोला उसने, ठीक है, उसने ऐसे बोला भी देखो, ठीक है, वो समझाता हूँ थोड़ा सा, उसने सही बोला, थोड़ा और अच्छा से बोलना चाहिए था उसे भाई, ये x ये पूरा 18 है, ये पूरा कितना था 18 था, ठीक है। मैं यहाँ से 9 फाड़ देता हूँ, x का मतलब वही तो हो गया, यहाँ से 9 फाड़ देता हूँ, यहाँ से 9 फाड़ देता हूँ, कुछ बचेगा इसके अंदर, इसका तो बॉक्स ही नहीं बनेगा, फिर मिठाई कैसे आएगी इसमें, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ से अगर ये पूरा ये 9 फाड़ दूंगा पूरा इधर से, ऐसे मान लेते हैं कि पूरा 18 है, ये पूरा 9 फाड़ दिया मैंने इधर से, ठीक है, और मैं सेम जितना बचा हुआ था वो मैं इधर से फाड़ देता हूँ, तो क्या बॉक्स बचेगा उसके बाद, बचेगा ही नहीं बॉक्स। तो कहने का मतलब ये कि 9 पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, x का मतलब है साइड ऑफ अ स्क्वायर विच इज कट ऑफ, यानी कि जो हमने काटा है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, और ये वाला क्या है, ये वाली है साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर विच कट ऑफ, यानी जिसको हमने क्या करा था कट करा था, ठीक है, जिसको हमने क्या करा था काटा था उसकी साइड है ये, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, ये हमने साइड निकालनी थी, व्हाट शुड बी द साइड बोला था क्वेश्चन में, ठीक है। हमें करना है इसको क्या मैक्सिमम करना था ना, देखो थर्ड स्टेप, ठीक है, हम चलते हैं डीवी अपॉन डीएक्स के पास, डीवी अपॉन डीएक्स हमारे पास कितना है 12 ब्रैकेट 9 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स, ठीक है, करते हैं डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वी अपॉन डीएक्स स्क्वायर, 12 को ऐसे छोड़ो, इसमें क्या लगा देते हैं प्रोडक्ट टूल, है ना, तो प्रोडक्ट टूल लगाने पे 9 माइनस एक्स ऐसे आएगा, इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा माइनस का 1, ठीक है, प्लस 3 माइनस एक्स ऐसे ही आएगा, इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ये 12 ऐसी
इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 9 एंड प्लस का x, ये हो जाएगा ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 3 एंड प्लस का x, ठीक है। 12 ऐसी 9 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 12 एंड प्लस का 2x, ये हो जाएगा ना ये ठीक है। 2 को और कॉमन ले लो, मैं तो और आसान बना देता हूँ, ये हो जाएगा 24 माइनस का 6 एंड प्लस का x, ये हो जाएगा ना ये ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसको मैक्सिमम कैसे जज करेंगे, अभी तुम जज नहीं कर सकते x से, पर x की वैल्यू निकाल दो दिए मैंने, x की वैल्यू कितना आ गया 3, तो यानी कि एट x इक्वल टू 3, ये वाला नंबर क्या आएगा नेगेटिव तो आएगा, चाहे देख लो 24 ब्रैकेट माइनस 6 प्लस 3, यानी इसका मतलब कितना हो गया 24 इंटू माइनस 2, ठीक है। छोटी कैलकुलेशन है, कर भी सकते हैं माइनस का 48, बड़ी कैलकुलेशन भी तो करनी भी नहीं, हमने सीख रखा पहले से, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेशन है, इसमें कितना ही टाइम लेगा, ऐसे तो नहीं कोई बच्चा कि इसको जाके रफ में करेगा, ऐसे तो कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा 3 बचेगा यहाँ पर, मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा फिर 72, ठीक है। ये हो जाएगा 24 3 से कितना हो जाएगा 72, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखना, ठीक है, ये जो नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लो इतना कुछ फर्क नहीं हो, ठीक है। नेगेटिव जो नंबर होता है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव किसको शो कर रहा है, डबल डिफरेंशिएट को, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा ना, इसका वॉल्यूम का आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव, विच इज लेस देन 0, और अगर नेगेटिव आए तो यानी कि वो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखा था कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम हो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। तो मतलब पता भी क्या है क्वेश्चन का, मतलब समझो मतलब, ठीक है, रटना थोड़ी हमें कुछ, ठीक है। मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इधर देखो, ठीक है, हमारे पास अगर ये बॉक्स है और ये 18 है, ठीक है, ये 18 है अगर, ठीक है, इसकी साइड भी कितनी है 18 है, ठीक है। अब जब तुम में से कोई पास होगा ना, और जो कोई मिठाई लेकर आएगा अगर, ठीक है, तो उसको मेरे से पूछता है कि कैसे लेके आनी है मिठाई, मैं उसको बताऊंगा कि वो कैसे ला सकता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मिठाई आए, ठीक है। हम पे एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, ठीक है, मैं इसको ना अगर मैं 3 सेंटीमीटर से फाड़ता हूँ, ठीक, 3 से क्यों फाड़ रहा, एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है, और इधर से मैं कितने सेंटीमीटर से फाड़ रहा हूँ, सेम इधर से भी 3 से फाड़ रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इधर से भी 3 सेंटीमीटर से फाड़ा, ठीक है, अगर ये 18 का ये बॉक्स था पहले, ठीक है, और इधर से भी मैंने क्या करा, एक इससे फाड़ा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना जितनी मैक्सिमम मिठाई आ सकती है, जो ये बॉक्स बन जाएगा ना फोल्ड करके, ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मिठाई आ सकती है, मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम क्या आ रहा, मैक्सिमम आ रहा, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि हम अगर इसको 2 से फाड़ लेते तो इसमें तो और ज्यादा आ जाती, पर हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। अगर 2 से फाड़ोगे ना इसको, ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम जो ये बॉक्स बन गया ना, ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम बॉक्स है एज कम्पेयर टू दिस, ये हमने पहले ऐसे फाड़ दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा मिठाई आ सकती है, अगर मैं कोई 18 सेंटीमीटर का बॉक्स लेके उसमें अगर साइड कितनी फाड़ दूं, 3 फाड़ दूं, ठीक है। अगर मैं 2 फाड़ूंगा भाई, 2 से तो और कम हो जाएगा, बॉक्स और बड़ा बन सकता है, पर मैं ऐसे कहती है पॉसिबल नहीं होगा, तुम चेक करके देख लेना घर में, 3 सेंटीमीटर एक्यूरेट फाड़ना, ठीक है। 2 से फाड़ के देखना एक बार, बॉक्स बनेगा नहीं, वो खुला बन जाएगा, यानी कि जैसे जगह दिख रही है ओपन ही है, ठीक है, इसमें मिठाई डालोगे तो यहाँ से बाहर नहीं निकल जाएगी, वो डम बन ही नहीं सकता बॉक्स ऐसा, ठीक है। इसीलिए एक्स की वैल्यू 3 का मतलब ये हुआ कि 18 सेंटीमीटर में बॉक्स रखा है, और अगर तुमने यहाँ से 3 फाड़ा ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिठाई आ सकती है इसके अंदर, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा नहीं आ सकती। और अगर तुम 2 फाड़ोगे तो मिठाई बॉक्स तो बन जाएगा, और मिठाई क्या करेगी, जगह ऐसे जगह छूट जाएगी, जो यहाँ छूटी है, जो यहाँ पर छूटे बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएगी, समझ में आ गए, ठीक है, उतारो उसको। उसने ना ऐसा बोल रखा है, show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square is the maximum area. अभी तीन फिगर कैसे सॉल्व करना है देखो। अच्छा इसका मतलब पता है, show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, इसका मतलब कि एक सर्कल उसके अंदर रेक्टेंगल, हाँ एक सर्कल उसके अंदर क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा, एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, और इसके अंदर क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमने ये बना दिया कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर हमने क्या बनाया है, रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में, ठीक है, पहले जो हमने करे वो ठीक है, वो आते हैं, ठीक है, पर ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एबीसी रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है तो मैं ए बी को क्या मान लेता हूँ, इस ए बी को मान लेता हूँ लेंथ, ये हो जाएगा लेंथ, ठीक है, लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, या एल ही छोड़ दो चलो, ठीक है। जो तुम्हारा ब्रेथ हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया बी से लेके सी, ठीक है, इस वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, ब्रेथ, जिसको मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया, ठीक है, यानी कि ये एल है और ये वाला क्या होगा, बी, तो ये भी तो एल होगा और ये भी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। देखो हमें ना ये जो मैंने इसको मैंने क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका डायगनल है, ठीक है, ये वाला क्या होगा, इसका डायगनल, ये बी डी होगा ना,
ये बीडी वाला क्या है, डायगोनल है, ठीक है। और ये डायगोनल के साथ साथ ना ये सर्कल का अगर यहाँ सेंटर आएगा, ठीक है, तो अगर मैं बीडी की बात करूंगा तो ये क्या होगा, ये डायमीटर के बराबर भी तो होगा, ठीक है, होगा ना डायमीटर के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है ऐसे कि अगर ये सर्कल से यहाँ पर सेंटर है ना तो सेंटर से ही पास होके जाएगा, ठीक है, और तब पास होके जाएगा अगर सर्कल नहीं है रेक्टेंगल है सब बाउंड्री टच करने की, ठीक है। इसका मैं बनाऊंगा ना ये जरूरी नहीं कि पास होके जाएगा, समझ में आ गया ना, मतलब कि अगर इसको बोलते हैं नाम क्या होता है इसका, क्वाड्रेटिक वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रेटर पता होगा, 9th क्लास में आता है साइक्लिक क्वाड्रेटर, वो ये होता है कि चारों चार बाउंड्री क्या होनी चाहिए, सर्कल पे टच होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, इतना तो हमें समझ आ गया, ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर इसका भी ना फिक्स सर्कल, ठीक है, फिक्स्ड सर्कल, फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, फिक्स का मतलब ये हुआ कि ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हमें ना एक फंक्शन क्या होता है, गिवन होता है, और एक का में जो गिवन होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट, मैंने पहले भी समझा रखा, तो फिक्स सर्कल है, तो सर्कल जो होगा ना ये सर्कल हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो सर्कल की जितने भी डायमेंशन होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी डायमेंशन क्या होंगी, गिवन होंगी, और जो गिवन फंक्शन होता है इसको हम क्या मान के चलते हैं, कॉन्स्टेंट, ठीक है। और सर्कल की ना एक ही डायमेंशन होती है, कौन, सर्कल की एक ही डायमेंशन होती है, कौन, रेडियस, ठीक है। रेक्टेंगल की कितने डायमेंशन होती है, दो डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। क्यूबॉइड की कितने डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। सिलेंडर की कितने डायमेंशन होंगे, हाइट होगा रेडियस होगा, ठीक है। कोन की कितने डायमेंशन होंगी, स्लांट हाइट रेडियस और हाइट, तीन होंगी, ठीक है। तो कभी ऐसे अगर पूरा दे दिया ना गिवन है कोन, तो कोन का मतलब कि उसका रेडियस भी कांस्टेंट होगा, उसकी हाइट भी कांस्टेंट है, और स्लांट हाइट भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमें क्या गिवन है कि रेडियस हमें गिवन है फिक्स सर्कल, फिक्स का मतलब कि ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कांस्टेंट होगा तो वो चीज क्या है, गिवन है, रेडियस हमें कांस्टेंट है, ठीक है। तो आर को हम ऐसे मान सकते हैं कि जो रेडियस होगा ना वो रेडियस क्या होगा, हमें कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। ऊपर की लाइन तो मैं पूरी समझ में आ गई, ठीक है। अब ये स्क्वायर कहां से आ गया, क्या स्क्वायर में अलग से बनाऊ, नहीं, ठीक है, उसने ऐसे बोला स्क्वायर है मैक्सिमम एरिया, ठीक है। रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल को स्क्वायर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बस एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मुझे करना क्या है, देखो हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे, वहां पे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर्स तो नहीं चल रहे ना, इससे पीछे आंसर में तीन निकाला, पांच निकाला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हम ना उस रेक्टेंगल को पहले क्या बनाएंगे, उस रेक्टेंगल को पहले में क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, समझ में आ गया, रेक्टेंगल को स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे बनेगा, जब लेंथ और ब्रेथ बराबर आ जाएंगी, और वो निकाल के दिखाएंगे भी, आएंगी भी बराबर, ठीक है। और उसी रेक्टेंगल को अब चाहे तुम स्क्वायर बोलो उसका एरिया, या तुम क्या बोलो रेक्टेंगल, दोनों का एरिया भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। डायग्राम दो है सिर्फ, ठीक है, डायग्राम दो है, कौन कौन, रेक्टेंगल और एक क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। सर्कल अंदर रेक्टेंगल घुसा हुआ है, वो हमने फिक्स कर रखा है, रेक्टेंगल उसके अंदर फिक्स कर रखा हो, ठीक है। और स्क्वायर, स्क्वायर कहां से आया, जो रेक्टेंगल है ना उसको हमें क्या बनाना है, उसको हमें स्क्वायर बनाना है। और स्क्वायर कैसे बनाया जाएगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ तो है थोड़े से, ठीक है, क्योंकि इनका वेटेज भी क्या है, पांच नंबर है, डायरेक्ट एक दो नंबर की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हम, ठीक है। ये मान लो कि पांच नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि नहीं होंगे क्वेश्चन, घर में सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस क्यों नहीं होगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं होंगे, ठीक है। देखो आगे करते हैं स्टार्ट, ठीक है, ये तो हमें गिवन हो गया, ठीक है। हम फंक्शन स्टार्ट करने से पहले ना हमें जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, हम क्या करते हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं, हमने सीख रखा मैक्सिमम एरिया, तो हमें इस एरिया को ना क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम, ठीक है। और जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना होता है उसी का हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट, ध्यान से देखना, ठीक है। ए इक्वल टू एरिया, चाहे तुम रेक्टेंगल मानो या स्क्वायर, भी रेक्टेंगल मान के चलते हैं, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी, ये होता है एल इंटू बी, ठीक है। पर ये एल और बी ना दोनों के दोनों क्या है, इन टू वेरिएबल, यानी कि मैं ऐसे बोल सकते हैं ये जो डिफरेंशिएट है ना ये वाला क्या होगा, अभी दो वेरिएबल में होगा, वन और दो वेरिएबल में, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करके किसमें लाना पड़ेगा, एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, तो कैसे लाएंगे हम एक वेरिएबल में, है कोई तरीका हमारे पास, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, एल और बी दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल कौन सा, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, और कॉन्स्टेंट कौन है, रेडियस है कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो कैसे कुछ है तुम्हारे दिमाग में, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पर 90 लगाता हूँ, मैंने इसका ट्रायंगल बना के छोड़ दे रहा पहले, और 90 नहीं लगाया था, ठीक है, 90 लगाता तो हर बच्चा समझ जाता, ठीक है, 90 लगाया तो वही सब बच्चा समझेगा, इसका ध्यान यहाँ पर है अभी, ठीक है, 90 है ये, तो अगर मैं ये देखो ये आर है और ये आर है, दोनों रेडियस होंगी, ठीक है। अगर मैं इसमें लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो कहीं ना कहीं से रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम पहले यहाँ पर पाइथागोरस में लगाते हैं, पहले उतारना, ठीक है, मैं पहले नहीं उतारा मैंने, क्योंकि मुझे बताता अगर मैं पहले उतारूंगा तो वो रटने वाली बात हो जाएगी सारी। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं 2R का स्क्वायर, 2R क्यों, क्योंकि यहां से नहीं आता क्या हो जाएगा 2R, सबको पता ही है, ठीक है। इक्वल टू
बी का स्क्वायर और एल का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पता है सबको, एच इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4r2, ये हो गया बी स्क्वायर और एल स्क्वायर। किसी एक की वैल्यू निकालो यहाँ से, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 4r2 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। एल की वैल्यू ये हो जाएगा 4r2 माइनस बी स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगाओ, ये कितना हो जाएगा एल, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, एरिया इक्वल टू एल, एल की जगह पे कितना आ गया अंडर रूट 4r2 माइनस का बी स्क्वायर, और ये वाला बी ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल में, वन वेरिएबल में है, वन यहाँ पर तो रेडियस भी और बी भी है, कितने में अंकुश, दो में वन में, ये देखो ये दो वेरिएबल तो हैं, आर भी है पर बी भी है, बट एक चीज तो देखो आर क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, हमें क्या गिवन था, फिक्स सर्कल, ठीक है। अगर ये फिक्स सर्कल ना होता ना तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता फिर, ठीक है। तो हम दो वेरिएबल में घूमते रहते बार बार, तो ये वाला क्या होगा इन वन वेरिएबल, यानी कि मैं इसको वन वेरिएबल में बोलूंगा, ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर चल लिख देना, आर इक्वल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट, जो रेडियस है वो क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये सब पेपर में नहीं लिखना होता, ठीक है, ये सब पेपर में नहीं लिखना होता, वो मैं क्यों लिख रहा है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अभी हम बिगिनर है, मतलब अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट ही कर रहे हैं, ये सब करना, ठीक है। अब देखो एरिया कितना आ गया, बी को जो आगे लिखो, बी अंडर रूट 4r2 माइनस बी स्क्वायर, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मैंने जब पहले दिन पढ़ाया था ना, कल वीडियो में डाली थी, अगर तुम देखी देखी बतानी, ठीक है। मैंने एक वीडियो में बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जब तुम इस फंक्शन में पहुंच जाओ जिसका तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब कि 40% क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया हमारे पास, समझ में आ गया ना, 60% है, यानी कि हम उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कैसे वैल्यू निकाले, वो मैटर करता है, ठीक है। पर उससे पहले सोचो कितना दिमाग लगाना है, कि डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, डायग्राम बनाना है, ये सब बनाना है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना 8 दिसंबर में एनसीईआरटी में, उसके अलावा बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं, डिफरेंशिएशन ऐसे होते हैं कि हर टाइम क्वेश्चन बनते रहते हैं, नए नए क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऐसे है कि हम 1 लाख क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, तो 1 लाख में उनको हटा के 1 लाख अगर अगले दिन आओगे तो 1 लाख क्वेश्चन दे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जितने क्वेश्चन तुम करोगे उनमें से ही पेपर में आएगा, इतने क्वेश्चन है, मतलब इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इतने, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे दोबारा देख लेते हैं अभी, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट इसके बाद में करेंगे, ठीक है। हमें गिवन था एक सर्कल गिवन था जिसके अंदर क्या बैठा था, एक रेक्टेंगल बैठा था, रेक्टेंगल को हमने क्या मान लिया, एल और बी, ठीक है। अगर तुम इसको ना किसी और बुक से पढ़ोगे तो उसकी जगह पे एल की जगह पे ना 2b और 2l मानते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीजन होता है 2l 2b, ठीक है। वो क्यों मानते हैं, वो ना ऐसे करते हैं कि इसको 2l मान लेते हैं, यहाँ तक ये एल हो जाएगा, इसको मैंने पूरे को 2b माना, ये b हो जाएगा, अभी छोटे से ट्रायंगल में पाइथागोरस में लगा देते हैं, ठीक है। फिर वो 4r वगैरह ये सब नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या पर तुम्हारे इतने समझ में आता, मैं ऐसे लगाता हुआ, ठीक है, तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन घूमता रहता कि 12 क्यों माना उसको, ठीक है। तो हम इतना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, बुक के हिसाब से तो हम पढ़ते ही नहीं है कभी, ठीक है। तो हम इतना कुछ नहीं मानेंगे, बुक में होता है आंसर में, ठीक है, 12 या स्कूल में टीचर डाल सकते हैं, ऐसे कराएंगे मत पढ़ना पर ऐसे, ठीक है। सबसे सौंदर्य यही है, ठीक है। जैसे हमने दोनों माना, हमें पता है कि डायमेंशन जो फिक्स है उसको क्या मान लो कांस्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना पड़ता है कि फिक्स्ड क्या है और मैक्सिमम मिनिमम किसे कर रहा है, ठीक है। तो फिक्स हमें किसे करना है, फिक्स हमें दे रखा है सर्कल, जो चीज फिक्स्ड है वो चीज क्या होगी कांस्टेंट, वो कभी बढ़ नहीं सकती। फिक्स का मतलब होता है कि वो रुकी हुई चीज है, फिक्स है वो, ठीक है। तो बढ़ेगा ही नहीं, कांस्टेंट है वो, और कांस्टेंट है तो उस चीज का मतलब क्या है, गिवन है, कांस्टेंट होने की फिक्स होगा एक चीज। हमें एरिया को इसने बोला कि मैक्सिमम करना था एरिया, तो जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना था उसका डिफरेंशिएट, ठीक है। ये हमेशा दो वेरिएबल में, तो इसको किस में कन्वर्ट करो, एक वेरिएबल में, ठीक है। रिलेशन कुछ ना कुछ निकलेगा, रिलेशन ये डायग्राम भी बनाना है मैं साथ में, रिलेशन कुछ ना कुछ निकलेगा तभी सॉल्व होगा। रिलेशन हमने क्या दिखाई दिया इसमें, पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें खुद ही दिखा, मैंने तुम्हें नहीं बताया आंसर, ठीक है। जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमारे पास क्या आ गया, ये इसमें डिफरेंशिएट हो गया इस कन्वर्ट में, ठीक है। इसकी जगह पर हमने ये रखा, अब ये पूरा पूरा क्या है, एक ही वेरिएबल में, जिसमें आर क्या होगा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। उतारो इसको पहले तरह, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ना हम इसको डायरेक्ट डायरेक्ट करें, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट करें ना, तो इसका डिफरेंशिएट इतना बेकार आएगा, इतना गंदा आएगा कि तुम डबल करोगे ही नहीं, सही में बता रहा मैं, ठीक है। और उस डबल को करने के बाद जज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब रूट चल रहा हो ना, रूट चल रहा हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर देखना पहले सबके सब, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट 4r2 और बी स्क्वायर, क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि रूट को हटाया तो स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। ये बहुत आसान था, नहीं बन गया, ठीक है, बहुत आसान बन गया है, ठीक है। और मेरे दिमाग में डबल डिफरेंशिएट चल रहा है कि मैं अगर मैं सोचो कि मतलब ऐसे बोलो, जैसे कभी भद्रा चढ़ने स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, और चीड़ बाग में हालत खराब हो जाती है, ठीक है,
तो हमारे मन में आता है कि जब जो पैदल जा रहा होता है, ठीक है, हमारे मन में ही नहीं आता कि मंदिर तक तो बहुत कठिन रास्ता है, इससे भी ज्यादा, ठीक है। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि अगर मैं डिफरेंट स्टार्ट कर दूं, नीचे तो बहुत मजा आता है शुरू में चढ़ने में, जब शुरू के 100 मीटर चलते हैं ना बहुत ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो मान लो कि तुम इसके 100 मीटर चलोगे ना जब, तब बहुत मजा आएगा डिफरेंशिएट करने में, पर जब तुम कीड़वा के ऊपर जाओगे, यानी कि जब तुम क्या करोगे कि ऐसे मान लो कि जब तुम इसका डबल डिफरेंट हो तो होगा ही नहीं आंसर, हो ठीक है, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करा कि पहले से क्या करा कि वहां से हेलीकॉप्टर में बैठ गए और आराम से बद्रनाथ पहुंच गए, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने क्या बना दिया, इसको आसान बना दिया, ठीक है। अब देखो देखो देखो, क्या मैं इधर पे क्या करूंगा, ऐसे करूंगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स या डी आर ए, ठीक है, नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग चल रहा हो, देखो ध्यान से, इसका भी शॉर्टकट है, हर चीज का शॉर्टकट है, ए स्क्वायर है ना, इसको तुम क्या लेट कर लो कि लेट ए स्क्वायर को मैं अलग से वेरिएबल मान लेते हैं, जेड या वाई एक्स कुछ ही मान सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, जेड इक्वल टू 4r² बी स्क्वायर और बी की पावर 4, ये हो गया ना ये, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि आर क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट, तो वाई लिख देता हूँ इन वन वेरिएबल, यानी कि ये वाला क्या होगा एक वेरिएबल में बी है, और जिसमें ये कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है आर है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट है dz अपॉन db, अब बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा, 4 भाई इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल लगेगा नहीं लगेगा, ये 4 कांस्टेंट है और r भी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर को हम ऐसे छोड़ते हैं, हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इसका कितना हो जाएगा 2b, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। ये बहुत ज्यादा गलती होती है बच्चों की कि r स्क्वायर में हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट टूल लगाते हैं, गड़बड़, ठीक है। माइनस इसका करेंगे, 4 को आगे भेजो कितना आ जाएगा पावर 3, ठीक है, कितना आएगा 4 2 8, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बी माइनस का 4r 4b³, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकल के आया, dz अपॉन db के, ठीक है। सेकंड स्टेप, हम इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो dz अपॉन db इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं dr² b माइनस 4b³ इक्वल टू 0, ठीक है। 8r² b इक्वल टू कितना आएगा 4 बी आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। एक बी से एक बी क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर कितने बचेंगे 2b, जो कैंसिल होता है उसको 0 के बराबर भी रखा जाता है, ये मैंने पहले बताया था। ये इससे घटेगा कितनी बार, यहाँ पर कितना आएगा 2, ये हो गया ना ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 2r² इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना 2r² ये, ठीक है। अब देखो बी का स्क्वायर निकालूंगा, ये क्या बन जाएगा इधर आके अंडर रूट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। आर तो बाहर आ जाएगा पर ये 2 नहीं आ पाएगा, तो आंसर कितना आ गया इसका √2r, यहाँ का ना बी का आंसर √2r, ठीक है। अगर बी का आंसर √2r है, ठीक है, तो हमारे पास एक ये भी तो था शुरू में कंडीशन, l² इक्वल टू 4r² माइनस b² था नहीं, शुरू में कंडीशन जिससे पहले लिखा था हमने, l² ये वाला 4r², ठीक है। बी की जगह पे रखो, b² की जगह पे रख दो डायरेक्ट, या तो 2r², ठीक है। हम एल भी निकाल रहे हैं यहाँ से, ये कितना आएगा 4 में से 2 माइनस हुआ 2r² हो गया, ठीक है। अच्छा एल था ये, अंडर रूट तो चल गया था, ठीक है, ये 4r था, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा √2r। अब अच्छा लेंथ और ये ब्रेथ, ये दोनों के दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई, ठीक है। और लिखा भी था शुरू में, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स व्हिच आर इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल हैज फिक्स सर्कल कॉमा द स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम एरिया, यानी कि वो रेक्टेंगल क्या था, स्क्वायर था, और रेक्टेंगल स्क्वायर है तो क्यों, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों के दोनों क्या है बराबर है, किसके बराबर है √2r के बराबर है, समझ में आ गया। तो इसके नीचे एक लाइन लिखी जाएगी, देयरफॉर द गिवन रेक्टेंगल, यानी कि अब गिवन मत लिखो, तुम कांस्टेंट समझोगे इसका मतलब, ठीक है। द रेक्टेंगल हैज स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होगा स्क्वायर, इन विच, ठीक है, जो तुम्हारे इन विच है, इसका मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दोनों के दोनों क्या है बराबर है, इसलिए वो क्या होगा स्क्वायर है, ये होगा ना, ये पहला पार्ट हो गया प्रूफ, ठीक है। अगला स्टेप, ठीक है, अगला थर्ड स्टेप क्या होता है, डबल डिफरेंशिएट करना। अब चलते हैं dz पे, ठीक है, dz अपॉन db, कुछ तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान बना रखा हमने पहले से, 8r² b माइनस 4b और q, ये वाला कितना आएगा, इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो d² z अपॉन db² ये हो जाएगा ना ऐसे करके, ठीक है। इसका कितना आएगा भैया, 8r क्या होगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, b का कितना हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस ये 3 आगे उतरेगा 12 और b² याद रहेगा ना ये, यानी कि इसका मतलब कितना आ गया 8r² 12 b² याद रहे, क्या अब इसको जज कर पाएंगे, अभी हम इसको जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पर हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास b का वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है √2r, ठीक है। तो जो हमारा डबल डिफरेंशिएट आया d² z अपॉन db², ठीक है, मैं क्या रखता हूँ कि b की जगह पे ना √2r पुट कर लेता हूँ,
एट आर स्क्वायर ऐसे आएगा। अब देखो एट आर स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू आर स्क्वायर, जो हो जाएगा ना बी का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। एट आर स्क्वायर ट्वेल्व कितना आ जाएगा 24, और अगर तुम इसको क्या करोगे माइनस करोगे, माइनस का 16 आर स्क्वायर, और अगर हमारे बोलो dz स्क्वायर अपॉन db स्क्वायर, इसका आंसर किसमें आ रहा, नेगेटिव में आ रहा, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। तो उसने शायद बोला था कि जो स्क्वायर रूट उसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इधर देखो इधर, ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्वायरिंग करने में बहुत ज्यादा आसान बन गया, ये वरना कर ही नहीं पाते तो उसमें बहुत ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं नहीं कर पाते, कर लोगे, ठीक है, मैं भी कर दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, पर मुझे भी टाइम लगेगा, तुम्हें भी टाइम लगेगा, ठीक है, और यहाँ से बहुत शॉर्ट हो जाएगा अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो, ठीक है। दूसरी बात, हम जब ये ए स्क्वायर को जेड माना तो हम तो जेड को बोल रहे हैं लास्ट में मैक्सिमम, तो क्या ए को भी बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं, क्योंकि देखो हम तो जेड को निकाल रहे हैं लास्ट में, तो हम इस जेड को क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है, विच इज लेस देन जीरो, और ये वाला फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। भाई जेड को तो मैं लेकर आया, और जेड की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है। अगर z की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो ए स्क्वायर क्या होगा, वो तो मैक्सिमम ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हमने यहाँ पर ए स्क्वायर को मैक्सिमम माना था, ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो z बोलो या ए स्क्वायर बोलो, ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या होंगे, मैक्सिमम, और वही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अब एक और चीज और भी देख लो, ठीक है, अगर ये फंक्शन अगर ऐसा होता, हमने स्क्वायरिंग करा, हमने क्या करा, स्क्वायरिंग करा, ठीक है, अगर ये फंक्शन ऐसा होता बी प्लस अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करते हैं स्क्वायरिंग, हम करते हैं स्क्वायरिंग इस बार, अभी तो रूट मांगा है, रूट को रिमूव करना है, तो करते हैं स्क्वायर, हम नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें लगता है फिर किसका फॉर्मूला, a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसमें क्या होता है प्लस टू में रूट बैठा रहता है पीछे, ठीक है। तो कभी अगर ये क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, आएंगे क्वेश्चन भी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान है, जो आसान क्वेश्चन है वो पेपर में आते हैं, ठीक है। अब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट चार से पांच नंबर का, ठीक है। अब वो बच्चों पर डिपेंड करेगा, तुम यहाँ पर स्क्वायरिंग करोगे तो थोड़ा आगे का सफर क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ तक तो पहुंच जाओगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे आराम से, वैल्यू भी निकल जाएगी, बट आगे का इतना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ना तुम्हारी कॉपी में, तो मैं उसको देख के पढ़ने का मन ही नहीं करेगा क्या क्या लिख दिया आपने, समझ में आ गया, ठीक है, उतारो उसको।